नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आपको तुरंत याद करना है, ठीक है। दोस्तों आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसे समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको कई बार एक बात बताया है कि एग्जामिनर जो करता यह है कि क्वेश्चन के शब्दों में परिवर्तन करके आपसे पूछ देता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। अब इसी के शब्दों में परिवर्तन करके आपसे पूछ देंगे कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। दोस्तों ऊपर जो आपको दो क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, दोनों सेम क्वेश्चन है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। बस आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से आपको दे दिया गया है। दोस्तों क्वेश्चन को समझने का टैलेंट जो है आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर देखिए, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में बहुत अधिक महत्व रखती है। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है, तो आप ये लाइन जो है, ये लाइन सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में बहुत अधिक महत्व रखती है, ये लाइन सबसे पहले आप लिख दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए, तो आप यहां पर लिख देंगे सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। मतलब ये और लाइन जो है ना, ये लाइन आपको यहां पर लिख देना है, बस इतना साइज चेंज करना है, बाकी जो आंसर है आगे वो आपको लिख देना है, ठीक है। देखिए क्योंकि इसके बाद जो भी चीज है ना वो सेम टू सेम लिख देना है, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि सत्ता की साझेदारी या सुनिश्चित करती है कि, ठीक है, सत्ता किसी एक खास समूह के हाथ में नहीं रहेगी। दोस्तों सत्ता की साझेदारी जिसके बारे में आप पढ़ते हैं, ठीक है, ये जो साझेदारी है सत्ता की, ये ना सुनिश्चित कर देती है। क्या निश्चित कर देती है? दोस्तों ये साझेदारी निश्चित करती है कि सत्ता जो है, ये सत्ता किसी एक खास समूह के पास नहीं रहेगी। यानी सत्ता जो है, सत्ता वो किसी एक खास समूह के हाथ में नहीं रहेगी, ये बात जो है सुनिश्चित करती है आपका सत्ता की साझेदारी, ठीक है। अब आगे देखिए, इसके अनुसार समाज में सभी प्रमुख समूहों को सत्ता में साझेदारी दी जाती है। दोस्तों सत्ता की साझेदारी का मतलब यह हुआ कि समाज में जितने भी प्रमुख से प्रमुख समूह के लोग रहते हैं, ठीक है, यानी कि समाज में जितने भी जाति धर्म वाले लोग रहते हैं, सभी लोगों को जो है इस सत्ता में साझेदारी दी जाए, ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। आगे देखिए, धर्म जाति भाषा क्षेत्र, क्या कहता है, धर्म जाति भाषा क्षेत्र आदि के आधार पर होने वाले, ठीक है, झगड़े को सुलझाने, यहां पर देखिए होने वाले झगड़े को सुलझाने का सामर्थ्यवान हथियार है। दोस्तों देखिए सत्ता में जो भी धर्म हुआ, जाति हुआ, भाषा हुआ, इन सब आधार पर जो भी लड़ाई झगड़ा होता है ना, उसको समाप्त करने का, उसको खत्म करने का सत्ता में साझेदारी एक बहुत ही सामर्थ्यवान हथियार है, ठीक है, याद रखिएगा, सत्ता की साझेदारी एक सामर्थ्यवान हथियार है। दोस्तों क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए। थैंक यू।